ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। ब्यावर शहर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल में बीती रात को चिकित्सा विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। यहां के स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में भर्ती दो नवजात की झुलसने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वार्मर पर टेम्परेचर हाई होने से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त वार्ड में 20 नवजात भर्ती थे, इनमें से 18 नवजातों को सुरक्षित बचा लिया गया। दो बच्चों की मौत की खबर मिलने पर एसडीएम राहुल जैन, एएसपी सुमित मेहरडा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर स्वाति शिंदे ने अस्पताल पहुंचकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुंदर सिंह चौहान से हादसे की पूरी जानकारी ली। हॉस्पिटल प्रशासन से कि जो NICU वार्ड है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वोल्टेज फ्लक्चुएशन था या मशीन का इशू, उस कारण से सडनली दो बच्चों की मृत्यु हो गई और उसकी सूचना पाते ही पुलिस प्रशासन और प्रशासन दोनों मौके पर पहुंच गया था। डॉक्टर्स के द्वारा उन बच्चों को बचाने की कोशिश भी की गई बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बाकी बच्चे स्वस्थ थे, तुरंत मौके पहुँच के तुरंत डॉक्टर्स को निर्देश दिया गया था और डॉक्टर्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी मशीन्स को तुरंत चेक किया और बाकी मशीन में कोई इशू नहीं था, पर उनके बच्चों को नहीं बचाया जा सका। और इसके बाद बाकी सभी जो भी बाकी बच्चे थे उनके पेरेंट्स को भी उनके बच्चे से मिलवा दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि तकनीकी खामी की वजह से ये चीज़ हो गई और इसकी फिर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच करने के साथ में पूरे निर्णय के साथ ही हम पुख्ता बात कह पाएंगे।